हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इशिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 हज़ार सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जीनियस एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इशिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 हज़ार सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनियस एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इशिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 हज़ार सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इशिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इशिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस 2018 हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ में ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आप और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 हज़ार सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ वहीं सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो तो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जीनियस से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसीता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जीनियस जी हाँ जीनियस मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसकी कमाई कितनी हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन ने काम किया है इस मूवी में आपको कौन से सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगेंगे और यह मूवी जो है कब रिलीज़ हुई थी इसकी कमाई कितनी हुई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी जीनियस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और इसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों पहले इस रिव्यू को देखिएगा उसके बाद आप मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों जीनियस दो हज़ार अठारह ये दो में रिलीज की हुई थी फिल्म थी जिनिया से एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो है लीड रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और इसिता चौहान ने निभाया है ठीक है साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आपके मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म में सहायक भूमिका में आपको दिखेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके निर्देशक अनिल शर्मा है लेखक अनिल शर्मा है पटकथा सुनील सिरवैया ने लिखा है और अमजद अली ने ठीक है और इस फिल्म में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता हैं टोटल तो उत्कर्ष शर्मा इसिता चौहान मिथुन चक्रवर्ती आयसा जुल्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी और के के रैना ये सारे इसमें आपको लीड रोल में दिख जाएंगे वहीं ये 2018 सॉरी ये 24 अगस्त 2018 को रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म की कुल लागत 22 करोड़ थी लेकिन इसका कुल कारोबार 4 करोड़ पर ही सिमट गया था ये जो है बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी जिसके कारण से ये उतना फिल्म नहीं चली ठीक है तो ऐसे ही आपको और भी मूवी की रिव्यू देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी वीडियो